दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अगर आपने भी अपने डिप्लोमा को पास आउट कर लिया है तो डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स के पास जो है दो ऑप्शंस रहते हैं। एक तो उनके पास ये रहता है कि अगर वो अपनी फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो वो बीटेक के प्लान को कर सकते हैं। सेकंड उनके पास ऑप्शंस ये रहता है कि वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब में भी आपके पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जॉब में भी ये चीज़ है कि अगर आप जॉब में आगे ग्रोथ पाना चाहते हो, फर्दर ग्रोथ पाना चाहते हो जॉब में, आप चाहते हो कि आप मैनेजरियल पोजिशन तक जाए, आप चाहो कि चाहते हो कि आपकी सैलरी में बहुत ज्यादा हाइक मिले, तो इसके लिए जो सबसे जरूरी फैक्टर है वो है आपके पास बीटेक डिग्री का। ठीक है, तो बीटेक भी हो जाए और साथ साथ जॉब भी हो जाए, वो एक ही चीज से पॉसिबल है, आपके पार्ट टाइम बीटेक डिग्री कोर्स से। ठीक है, और जब आप पार्ट टाइम बीटेक डिग्री के कोर्स को चुनते हो और जब चाहते हो कि आप पार्ट टाइम बीटेक डिग्री कोर्स को करो, तो मार्केट में जो है काफी सारी फ्रॉड यूनिवर्सिटीज भी है, आप उसका सही चुनाव नहीं कर पाते हो। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं एक फ्री वेबसाइट collegevidya.com। यहां पे सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है, बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाएगी, सभी बेसिक जानकारी को फिल कर लेना है। और इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइजेशन और इसके अलावा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। इन दोनों को अगर आप फिल करके फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी जाएगी और कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ये सारी बेसिक जानकारी आप लोग को फिल कर देनी है और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आप अपने फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं। सारी बेसिक जानकारी यहां पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास बेस्ट कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे आप अपनी टॉप मेंटोर के द्वारा फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट और सारी चीजें अवेलेबल आपकी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है उसके थ्रू जाकर के आप कॉलेज विद्या से एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6,999 रुपए का जो करियर बूस्टर प्रोग्राम है, आपको ये बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक, अब देखो अगर आप अपने बीटेक के कोर्स को करते हो तो आपके पास यहाँ पे दो तीन चीज़ें बेनिफिट के रूप में मिल जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो बेनिफिट मिल जाता है पार्ट टाइम बीटेक डिग्री में, वो आपका मिल जाता है कि 3 ईयर आपका ये प्रोग्राम होता है। जैसे कि आप मान के चलो कि नॉर्मली अगर कोई बीटेक करता है तो उसमें आपको 4 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम बीटेक डिग्री कोर्स को कर रहे हो तो उसमें आपका 3 साल ही लग रहा है। और यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो 100% वेरीफाइड है। और मैं आपको बताऊँ कि सबसे अच्छी बात कि ये आपकी गवर्नमेंट के द्वारा भी वेरीफाइड है और गवर्नमेंट जो है इसको अप्रूवल दे चुकी है। और बहुत सारी कंपनियों में जो है ये सारी चीजें लग रही हैं कि पार्ट टाइम बीटेक डिग्री की भी वैल्यूएशन बिल्कुल आपके ओरिजिनल बीटेक डिग्री की भांति ही हो रहा है, जैसा कि आपके नॉर्मल बीटेक का होता है। ठीक है, तीसरी चीज आपके पास ये हो जा रही है कि यहाँ पे आपके पास जो है ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो पा रहे हैं आपके ब्रांच। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने जो है अपने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में किया है, या फिर मान लो कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने डिप्लोमा को कंप्लीट किया है, लेकिन आप चाह रहे हो कि हम जो है उस फील्ड में आगे ना बढ़ करके हम जो है सीएस या आईटी के सेक्टर में अपना करियर बनाएं और बेहतर करियर अपना सीएस और आईटी के सेक्टर में चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने डिप्लोमा के बेसिस पे अगर आप पार्ट टाइम बीटेक करते हो तो यहाँ पे आप अपने ब्रांच को भी चेंज कर पाते हो। और ब्रांच चेंज करके आप अगर सीएसआईटी ले लेते हो तो आपकी जो बीटेक की डिग्री बनती है वो सीएसआईटी की बनती है और आप आराम से आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हो, आईटी सेक्टर में जा सकते हो और अच्छे अपने इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में तो मुझे उम्मीद है कि आ ही गई होगी। ओके, अब ध्यान से देखना, एक्चुअली में जब कंपनियां अपनी हायरिंग करती हैं, ठीक है, तो जो हायरिंग करती है उनके पास जो है दो चीज उनके पास जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है। पहला तो ये रहता है कि स्टूडेंट्स के पास जो है बीटेक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड आपके पास ये होता है कि उनके पास स्किल्स तथा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा करने के बाद जॉब कर रहे हो, ठीक है, कंपनियों में डिप्लोमा करने के बाद जॉब कर रहे हो, तो जॉब मार्केट में आप क्या सीख रहे हो, तो जॉब मार्केट में आप आसानी के साथ अपने स्किल्स पे फोकस कर पा रहे हो, आपकी स्किल्स वहां पे स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, बहुत सारे स्किल्स आप सीख पा रहे हो जिसको आप अगर रेज्यूमे में ऐड कर रहे हो तो आपका जो है वहां पे आपका रेज्यूम काफी स्ट्रांग दिखता है और आप जो उस जॉब के लिए एकदम पर्टिकुलरली फिट बैठते हो। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है वो बीटेक की डिग्री। अब ध्यान से देखना
कि जो पार्ट टाइम बीटेक डिग्री कोर्स जो बंदा कर रहा है वो भी उसी इंटरव्यू में बैठ रहा है, और जो आपका फुल टाइम बीटेक डिग्री कोर्स कर रहा है तो वो भी उसी इंटरव्यू में बैठ रहा है। तो सिलेक्शन मैक्सिमम किसका होता है? सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा जिसके पास स्किल्स होगा, नॉलेज होगा, डिग्री होगा। अब यहाँ पे जो बच्चा पार्ट टाइम कोर्स कर रहा है तो उसके पास बीटेक की डिग्री तो हो गई, अब उसने कंपनी में जॉब कर लिया तो उसके पास स्किल्स तो हो गई, और इसके साथ ही साथ उसने जो है अपनी पढ़ाई बीच में की तो उसके पास नॉलेज आई। तो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ऐसे स्टूडेंट्स की ज्यादा बनती है, ठीक है? क्योंकि देखो किसी भी कंपनी में अगर फ्रेशर को कोई हायर कर रहा है तो उसको ट्रेंड करने में, उसको सिखाने में, ताकि वो इंडिपेंडेंटली रूप से काम कर सके, कम से कम मैं आपको बताऊं तो 7 से 8 महीने तक तो आपके लग ही जाते हैं किसी भी कंपनी में अगर वो फ्रेशर को कुछ सिखा रहे हैं तो, ठीक है? तो इसलिए जो मैक्सिमम कंपनियां होती हैं वो उसी चीज पे फोकस करती हैं कि कोई बंदा हमें ऐसा मिल जाए जो ऑलरेडी स्किल्ड हो, उनके पास कुछ ना कुछ स्किल हो, ताकि उसे थोड़ा सा हिंट देने पे ही वो काफी सारे काम को करने लग जाए, ठीक है? तो इसलिए आप सभी के पास जो है पार्ट टाइम बीटेक डिग्री कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस कोर्स को कीजिए, आपके लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। डिप्लोमा करने के बाद 10 साल 12 साल के बाद लोग बीटेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको उसके बाद उसकी वैल्यूएशन समझ में आ रही है कि भाई जब हम डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कोर्स कर लिए तो अब जो है हमको जो है मैनेजरियल पोजीशन पे जाना है, तो उसके लिए डिप्लोमा डिग्री जो है आपकी उस नीड को पूरा नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो फर्दर डिग्री जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप जो है किसी भी कंपनी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास डिग्री, डिग्री का होना बहुत जरूरी है। तो सही समय है अभी जो है, और इस सही समय का फायदा उठाइए और आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कीजिए, ठीक है? क्योंकि ज्यादा टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर सही समय पर अपनी डिग्री को कंप्लीट करेंगे तो सही वक्त आने पे आप उस डिग्री को यूटिलाइज कर पाएंगे, और आप अपनी बेहतर तरीके से अपनी बीटेक डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।